हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर 8 साल की लड़की की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, और जो कि बहुत कम से कम कपड़े में बनेगी। तो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये कमीज़ का बचा हुआ कपड़ा है। इस कमीज़ के कपड़े में से मैंने एक सूट रेडी किया था और बाद में ये कपड़ा बच गया था। अब हम इतने से कपड़े में ही इस ड्रेस को रेडी करेंगे, और इसमें हम एक गोल कमीज़ बनाएंगे 8 साल की बच्ची का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े को हम उल्टी साइड से इस तरह से डबल कर लेंगे और इसको 4 तह लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े को हमने इस तरह से 4 तह लगा लिया है। तो ये क्या है, एक चिकन का कपड़ा है, और यहाँ पे जो ये थोड़ा प्लेन एरिया है, तो इस प्लेन एरिया को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बाकी हिस्से को नीचे की साइड। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, जो इसके शोल्डर का माप है वो 10.5 इंच है, तो मैं इसका 5.25 इंच लूँगी और यहाँ से भी 5.25 इंच पे ही निशान लगाऊँगी। जितना ये है हमारा, उससे 0.5 इंच नीचे हम इसका ये आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी कि 6 इंच पे। बाकी हम यहाँ पे अपना चेस्ट का माप लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी चेस्ट है वो 24 है, 24 का माप करेंगे, यानी कि 12 इंचेस, और 12 इंचेस का भी हम माप करेंगे तो 6 इंचेस, यानी कि चौथा हिस्सा हमने इसका लेना है। तो 6 इंच, उसमें हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो 6.5 इंच पे हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम अपना मार्जिन छोड़ेंगे। तो हम 8.5 पे इसका निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कमर का निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कमर है वो है 22, और उसका आधा करेंगे तो 11 इंच होगा, और 11 इंच का हम आधा करेंगे तो 5.5 इंच, और उसमें हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 6 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 8 इंच पे हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे इस तरह से। बाकी बच गया ही हमारा ये कपड़ा। अब ये जितना भी हमारा घेर बचा हुआ है 12.5 इंच, इसको ऐसे के ऐसे रखेंगे और इसको इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे, क्योंकि मैं एक गोल सूट बना रही हूँ तो इस पर इस तरह से कटिंग करनी है। ये हमारा निशान हो गया। अब यहाँ से हम ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों इकट्ठे हैं, तो हम सबसे पहले बैक पार्ट वाले की छटाई करेंगे, यानी कि 2 इंच पे, और हम फ्रंट वाले पार्ट की बाद में छटाई करेंगे यहाँ से। तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कट हो गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम 0.5 इंच पे डाउन करेंगे इसके शोल्डर्स को। इस तरह से शोल्डर हमने इसका ये कर दिया है। यहाँ से हम 1 इंच पे हल्की सी गोलाई करेंगे इस तरह से, ऊपर से 1 इंच पे हम इस तरह की गोलाई से करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कमीज़ की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और इसकी हम 1 इंच पे कटाई करेंगे आगे से। ये इस तरह से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने कमीज़ का कपड़ा निकाला था, इसमें मैंने एक लाइनिंग भी का भी कपड़ा यूज़ किया है। ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था,
तो अब मैं इसको भी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम इसका गला जो बनाएंगे, तो गला इसका जो रेडी है, इसकी जो हम कटिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे जहाँ से, वो तो 2 इंच पे करेंगे। और जो इसकी लेंथ है वो मैं 5.5 इंच पे लूँगी। तो अब मैं इसका डायरेक्ट काटूँगी इसी तरह से। ये मैं कुछ इस तरह का इसका गला बनाऊंगी, इसको कट कर लेंगे। ये जो इसका लाइनिंग है इसको भी और इस कमीज़ को भी एक साथ ही रख के कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट कैसे करेंगे ये देखना पहले आप। तो जो हमारा कमीज़ है उसका सीधा एरिया ये है, ठीक है। और जो हमारी लाइनिंग है उसको हम सीधे एरिया पे रखेंगे इस तरह से, और इसको रख के पहले यहाँ पे स्टिच कर देंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे। तो पहले हम इसको स्टिच करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इस पे ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। हम जो अपने ये जो शोल्डर हैं इन पे भी, और जो हमारी आर्म होल है यहाँ पे भी, हम अपनी पक्की सिलाई करेंगे इसी तरह से। बाद में हम इसको सीधा करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे पे इस पे पक्की सिलाई लगा ली है, बल्कि यहाँ नीचे भी लगा ली है मैंने। अब हम इस पे यहाँ पे छोटे छोटे कट करेंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे। हल्के हल्के ऐसे कैची से कट लगा लेंगे, जिससे ये आसानी से इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आए और बहुत ही सुंदर दिखे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पे सारे पे कट लगा लिए हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। और अब हम जो ये हमने सीधा किया है, इस पे से एक पक्की सिलाई और लगा लेंगे, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट जच जाए एकदम से। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली है पक्की, और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है, और बैक पार्ट के भी हम सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक में ऐसे ही 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इसके यहाँ पे, और ऊपर से मैं इसका लगाऊंगी 3 इंच पे, और बाकी 2 इंच पे मैं इसकी एक गोलाई बनाऊंगी 2 इंच पे इस तरह से। यहाँ से 1/2 इंच पे इस तरह से, तो फ्रेंड्स मैं कुछ इस तरह से इस गले की कटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको उसी तरह से सिल लेंगे जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट की सिलाई की थी। तो ये हमारा जो सीधा पार्ट है, और हम इसके ऊपर अपने इनर के कपड़े को रखेंगे और उसी तरह से सिलाई करेंगे पक्की वाली, और फिर इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से ही। तो फ्रेंड्स, हमारा ये अगला और पिछला दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इनके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके ये जो शोल्डर है ये जॉइंट कर लिए हैं, और अब हम इसमें आगे काम करेंगे। तो ये क्या है कि मैं इस तरह की एक बद्दी लगाऊंगी इस पे, जो मैंने रेडी कर ली है, और इस पे मैंने अभी 2 लगाए हैं। और ये मैंने कैसे बनाई हैं ये देखो, ये मैंने एक सर्कल का एक इस तरह से कपड़ा ले लिया है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे हाफ करेंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे। और इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पे स्टिच कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, और इस डोरी को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये मैंने 1-1 इंच पर इसका गैप दिया है,
और इसको हम इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये स्टिच हो गया है, अब हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह से डोरी रेडी हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, तो हम इसको सेंटर में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से मैंने इस पे फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से स्टिच करते जाएंगे, तो यहाँ ऊपर से 6 इंच पे हम अपनी ये डोरी लगाएंगे अंदर की तरफ से। अंदर इस तरह से इसको डाल के और इसको स्टिच कर देंगे बिल्कुल सेंटर में। तो फ्रेंड्स हमारी इस डोरी का कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसके जो बॉटम पार्ट है इसको फोल्ड कर देंगे नीचे से। तो फ्रेंड्स इसके बॉटम पार्ट पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें इस लेस का यूज़ करूँगी, इसके बॉटम पार्ट के किनारे पे इस लेस को लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये लेस कंप्लीट कर ली है अपनी लगा के। तो देखो फ्रेंड्स ये मेरा हैज कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके बाजू पे भी ये वाली लेस लगा दी है और पीछे मैंने इस तरह से इसमें एक ये बटन लगाया है। और ये मेरा जो कमीज़ था ये कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।